दीपावली के चलते रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। लगातार आरपीएफ और जीआरपी चेकिंग कर रही है। सर्कुलेटिंग एरिया में डेरा जमाए हुए लोगों को हटा दिया गया है। दीपोत्सव पर कोई शरारती तत्व या आतंकी किसी वारदात को अंजाम न दे सके, इसके चलते रेलवे सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रही। आरपीएफ और जीआरपी लगातार चेकिंग कर रही हैं। रेलवे स्टेशन पर चेकिंग की जा रही है, वेटिंग रूम पर चेकिंग की जा रही है, इसके अलावा ट्रेनों में चेकिंग की जा रही है। सर्कुलेटिंग एरिया पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है। पार्किंग में भी चेकिंग की जा रही है। सर्कुलेटिंग एरिया में जो लोग डेरा जमाए हुए थे उन्हें हटा दिया गया है। हर तरीके से सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद रखी गई है। आरपीएफ और जीआरपी के जवानों की ड्यूटी बढ़ा दी गई है। 8 घंटे की अपेक्षा 12 घंटे कर दी गई है। सभी जवानों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरों की भी मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है। साथ ही रेलवे कर्मचारी, बैंडर, कुलियों को भी सतर्क रहकर काम करने की सलाह दी गई है। अलाउंस के माध्यम से भी लगातार लोगों को सतर्क रहने की बात कही जा रही है। पूरी मुस्तैदी के साथ आरपीएफ के जवान चेकिंग अभियान में जुटे हैं। एक यात्री के पैर में मोच आ गई। कर्मयोगी के रूप में आरपीएफ का जवान सामने आया। तत्काल ही यात्री की मोच को दूर किया गया। जिस समय मोच आई उस दौरान परिवार के लोग परेशान हुए, आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन आरपीएफ के जवान ने पूरी मुस्तैदी दिखाई और मोच को दूर कर दिया। हालांकि दीपावली के चलते आरपीएफ और जीआरपी चेकिंग अभियान में जुटे हुए, सतर्कता बरती जा रही, लेकिन सबसे अधिक सतर्क रेल यात्रियों को रहना होगा। रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले कर्मचारियों, बैंडरों और कुलियों को भी सतर्क रहने की आवश्यकता। यदि यात्री सतर्कता बरतेंगे निश्चित ही बड़ा हादसा, बड़ी वारदात, बड़ी घटना को टाला जा सकता है। हम सबका दायित्व बन जाता है कि पूरी सतर्कता के साथ यात्रा करें, जिससे आपकी यात्रा मंगल में हो सके और दूसरों की भी यात्रा पूरी तरीके से मंगल में हो। अपने साथी अगर दुबे के साथ राकेश कनौजिया, सी न्यूज़, आगरा।